हाय, माय नेम इज संवाद अली और हमारे कोर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का टॉपिक है एंड्रॉइड बेसिक एलिमेंट्स। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो चार हैं, एक्टिविटीज, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। एक्टिविटी बेसिकली, जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी काम करने को कहते हैं, तो जब यूज़र किसी भी एप्लीकेशन पे जो उसको काम करने के लिए जो स्क्रीन अवेलेबल होती है उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। इस एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन की जो भी आउटपुट होती है वो भी इसी एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आती है। एक्टिविटी एक क्लास है और इस क्लास को हम एक्सटेंड करके अपनी मर्जी से इसका यूआई डिज़ाइन करते हैं। सेट कंटेंट व्यू इसका फंक्शन है जिसके अंदर हम इसका जो भी एप्लीकेशन का जो यूआई डिज़ाइन करने के बाद इस फंक्शन के थ्रू इसको सेट करवाते हैं। एक्टिविटी की रजिस्ट्रेशन हम मैनिफेस्ट के अंदर करवाते हैं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। मैनिफेस्ट फाइल क्या है उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। एक्टिविटी की डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसमें से ये कुछ स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं और इन स्टेट्स के ऊपर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और उन फंक्शंस के ऊपर हम कुछ अपनी मर्जी से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सर्विसेज भी एक्टिविटी की तरह ही एक क्लास है और सर्विसेज बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है। ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमें बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाने हैं या ऐसे प्रोसेसेस जो कि लॉन्ग रनिंग प्रोसेस हैं। लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को हम सर्विसेज में इसलिए डील करते हैं क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है वो हमें सिर्फ सिंगल थ्रेड प्रोवाइड करती है, तो अगर हम सिंगल थ्रेड के ऊपर लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो हमारी एक्टिविटी जो है वो उसके कंपोनेंट डिसेबल रहेंगे जब तक कि वो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस चल रहा है। तो दैट्स व्हाई हम लॉन्ग रनिंग प्रोसेस के लिए भी सर्विस को यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए भी लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अगेन इस कंपोनेंट को भी हम रजिस्टर करते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सर्विस की कोई यूआई नहीं होती, ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करती है और ये किसी और कंपोनेंट के साथ बाइंड हो सकती है, मसलन एक्टिविटी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, इवन सर्विस के साथ। तो सर्विसेज जो हैं वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती रहेंगी और जब कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी और कंपोनेंट की तो वो उसको भी अपने साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं? ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसके अंदर चेंजेस आती रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उन चेंजेस के हवाले से कुछ जो है वो ब्रॉडकास्ट या इंफॉर्मेशन सेंड करता है तमाम एप्लीकेशंस को कि जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं या स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। एप्लीकेशन उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, तो तमाम एप्लीकेशन जो हैं वो ब्रॉडकास्ट को रिसीव नहीं करती। जिन एप्लीकेशन में ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं सिर्फ वो रिसीव करती हैं और तमाम ब्रॉडकास्ट जो हैं वो तमाम ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं रिसीव करते। उनमें से डेफिनेटली जिनके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिसीव करते हैं और इस चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए इंटेंट फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है ये भी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर होते थे एंड्रॉयड ओरियो से पहले तक, लेकिन अब इनकी इस पोर्ट को बंद कर दिया गया है और अब इसको हमें एंड्रॉयड की जो है वो क्या कहते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर अब हम इसको रजिस्टर नहीं करते, हम इसको मैनुअली इसको एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट करवाते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जैसे कि बाकी दो क्लासेस सर्विसेज और एक्टिविटी क्लास ही, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी एक क्लास है और इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऑन रिसीव। तो जब कभी भी ये क्लास ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेगी ऑन रिसीव के मेथड के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमने उस ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बिटवीन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर डाटा की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और इसके लिए हमें कंटेंट रिजॉल्वर यूज़ करते हैं। एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हम
एसएमएस करना चाह रहे हैं किसी को, तो डेफिनेटली हम किसी कॉन्टैक्ट को एसएमएस करना चाह रहे होंगे। तो अगर हम किसी कॉन्टैक्ट को एसएमएस करना चाह रहे हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन में जो उसका डाटा है वो एसएमएस वाली एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होगा। तो कंटेंट प्रोवाइडर हमें ये काम प्रोवाइड, ये जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करता है, और हम इजीली एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर डाटा एक्सेस कर लेते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।